कुशीनगर में एक हिस्ट्री शीटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में आरोपी हिस्ट्री शीटर कुछ अन्य लोगों का नाम लेकर सीएम योगी को धमकी दे रहा है। वहीं वीडियो में आरोपी खुलेआम पिस्टल लहराता भी दिखाई दे रहा है। तो उनकी भी बात हम नहीं सुनेंगे भाई, इसलिए नहीं। एक व्यक्ति सुजीत शर्मा निवासी नारायणपुर थाना पटेरवा जनपद कुशीनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें उसके द्वारा आपत्तिजनक बातें कहते हुए अवैध असलहे का प्रदर्शन किया गया था। प्रकरण में थाना पटेरवा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दिनांक 7/10/22 को पंजीकृत किया गया। प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सघन प्रयास सहित सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक खान पुत्र इब्राहिम खान राम सादौली थाना पटेरवा का निवासी हूँ। मुझे सुजीत शर्मा अमित शर्मा वीडियो बना के मेल कर रहे हैं कि हमें पैसा दो वरना जान से मार देंगे और मुझे जान और माल की खतरा है। और श्री योगी आदित्यनाथ जी को महाराज जी को भी गाली दे रहा है वीडियो में। तो शासन से निवेदन है कि हमारे जान और माल का सुरक्षा। तो इसी खबर पर मेरे सहयोगी कृष्णा पाठक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी भरा एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ये शख्स जो है वो सीएम को धमकी दे रहा, आखिरकार क्या है ये पूरा मामला? पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जिले का सीटर जिसका नाम सुजीत शर्मा है, जिसके खिलाफ अलग अलग थानों में दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें वीडियो में साफ सुना और देखा जा सकता है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने वीडियो को संज्ञान लेते हुए तत्काल इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की और गिरफ्तारी करने के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी गई। कृष्ण, जिस तरीके से कई धाराओं में इसके खिलाफ पहले से ही मुकदमा दर्ज और एक बार फिर से इस तरीके से मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देना, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई? जी, इन संदर्भ में जब आला अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जिले का हिस्सेदार है, कई दर्जन मामलों में ये वांछित भी है। जैसे हिस्सेदार की गिरफ्तारी के लिए जल्द से जल्द करने में पुलिस अलग अलग टीमें गठित करके दबिश दे रही है। जी कृष्णा, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले ही देखा है कि केंद्र सरकार की तरफ से पीएफआई को बैन कर दिया गया है, तमाम तरह की जो धमकियां भरे पहले भी मामले आ चुके हैं, तो क्या किसी संगठन से इस ये जो शख्स है इसको जोड़कर देखा जा रहा है? जी जी, कहीं ना कहीं ये सब जो ये वीडियो वायरल किया हुआ है किसी न किसी चीजों से ये हमको लगता है। और फिलहाल अभी पुलिस जगह जगह दबिश देते तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक वीडियो के जरिए धमकी मिली है। आपको बता दें कि ये हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ पहले से ही पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसकी तलाश में जुट चुकी है।